दोस्तों देख सकते हैं आज का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अड़वना ग्राउंड से ये गेम है और मैं सोनू भाई को देख पा रहा हूँ, कैप्टन है यहाँ पर ही खिदिरपुर काइट क्लब के। तो आज खिदिरपुर वर्सेस फ्लॉइड काइट क्लब का मैच हो रहा है दोस्तों। सोनू भाई हमारे बने हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स को मैं दिखा दे रहा हूँ। सोनू भाई आपका नाम क्या है भैया? अमान। अमान भाई है, अमान भाई। देखिए मेहताब भाई भी है इस टीम में, बिहारी भी है देख सकते हैं, और भी सब मेंबर्स है देख सकते हैं, ये सब मेंबर्स है यहाँ पर ही। और मैं फ्लॉइड काइट क्लब के इधर भी ले जाता हूँ, थोड़ी देर में आपको बेस दिखाऊंगा। ये देखिए हमारे मेहताब भाई खतरनाक देख सकते हैं बने हुए हैं। फ्लॉइड काइट क्लब से कौन कौन लड़ा रहा है वहाँ भी मैं ले जाता हूँ, पहले मैं पेज की तरफ आपको ले जाता हूँ। देख सकते हैं हमारे समीर भाई, कैसे है समीर भाई? हाँ मैं अच्छा हूँ। चलिए इनका पेज में भी दिखाऊंगा, आज खिदिरपुर से लड़ा रहे हैं समीर भाई, देख सकते हैं अच्छा पेज होगा दोस्तों। फ्लॉइड काइट क्लब के इधर ले चलता हूँ मैं, तो देख सकते हैं दोस्तों फ्लॉइड काइट क्लब के इधर आ चुका हूँ। हमारे फ्लॉइड भाई है कैप्टन, देख सकते हैं आज टीम में। देख सकते हैं अफरीदी लड़ा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है अफरीदी। हमारे वसीम भाई बने हुए हैं, देख सकते हैं हमारे सैमुल भाई है आज टीम में, और देख सकते हैं यहाँ पर ही सैमुल भाई के बगल में है देख सकते हैं हमारे बापीदा। कैसे बापीदा? ये देखिए एक नंबर प्लेयर है हमारे बापीदा, आज बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। वहाँ देखिए सनी भाई भी आज लड़ा रहे, आई थिंक मैं सही बोल पा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं पेज की तरफ ले जाता हूँ। फ्लॉइड भाई कैसा लग रहा है आज का शौक? आज का शौक बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई, क्योंकि हवा भी खुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडा का हवा पड़ा हुआ है। जी जी जी, क्या होता है, चलिए ठीक है, लास्ट में पता चल जाएगा। व्यूवर्स आप लोग बने रहे, चलिए मैं पेज की तरफ ले जाता हूँ। आई दोस्तों हम गेम का पहला पेज देख रहे हैं, ऊपर से राइट हैंड साइड से हमारे फ्लॉइड भाई है, राइट हैंड साइड से फ्लॉइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से अमान लड़ा रहे खिदिरपुर से। ध्यान दीजिएगा पेज सही हो चुका, पेज की दूरी 500 मीटर। फ्लॉइड भाई ने गद्दा रखा है, देख सकते हो वो करीब करा के आड़ अंदर आए जा रहे हैं, पूरे चेहरे के तरफ बढ़े जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्लॉइड भाई ने अंदर का गद्दा शो किया है, वो चपटा बाहर खींच रहे, देखिए वो थपक रहे हैं। और बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पर ही फ्लॉइड भाई को काट दिया है हमारे अमान भाई ने खिदिरपुर काइट क्लब से। यही करना था दोस्तों, अब अंदर का मुंडा जब भी कोई दे आपको बस थपक लेना है, यही किया हमारे अमान भाई ने। आई दोस्तों हम दूसरा पेज देख रहे हैं, नीचे से अमान बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से अमान बने हुए, राइट हैंड साइड से वसीम भाई आए हैं फ्लॉइड काइट क्लब से। अंदर का गद्दा शो किया है, देख सकते हैं मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, काफ़ी चेहरा हो चुका है दोनों के बीच में। ये देखिए अमान की पतंग चपटा बाहर खींचा है, उन्होंने पतंग पूरा उठा लिया है, देख सकते हैं करीब कराया, रोका, गद्दा मार दिया है, रोका है, देख सकते हैं फिर से चपटा बाहर खींचा है, वो अंदर का रुख दिखाया, वो खड़ा अंदर, देखिए अंदर खड़ा अंदर करके यहाँ बहुत ही शानदार अमान को यहाँ पर पेच काट दिया। देखिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ही उनकी पतंग यहाँ से दिख नहीं रही थी, यहाँ से वो भी थपक रहे थे ऐसा समझ लीजिए आप। और अच्छा पेच यहाँ वसीम भाई ने काट दिया है अमान को। ऊपर से काटने के बाद अब देखिए वसीम भाई नीचे चले गए हैं, अब नीचे से लड़ाएंगे फ्लॉइड काइट क्लब से। देख सकते हैं ये है वसीम भाई, नीचे का घर लड़ाएंगे, ऊपर से यहाँ से ऊपर से लड़ाएंगे, देख सकते हैं खिदिरपुर काइट क्लब से लड़ाएंगे हम हमारे सोनू भाई, देखते हैं क्या होता है पेच में। आई दोस्तों पेच समझ लेते हैं, नीचे से देखिए राइट हैंड साइड से नीचे से हमारे वसीम भाई, ऊपर से है लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से सोनू भाई खिदिरपुर काइट क्लब से। पेज सही हो चुका है, पेज की दूरी लगभग 500 मीटर, उन्होंने गद्दा चला है, ये वही मुंडा से चपटा बाहर खींच के बहुत ही शानदार ये पेज काट दिया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कोई बल नहीं, पूरा चपटा बाहर खींच के यहाँ पर ही हमारे सोनू भाई को काट दिया है। गलती क्या हुआ, सोनू भाई को यहाँ अंदर का रुख दिखाना था या अंदर का गद्दा मारना था बाहर दिखा के, तब ये पेज को काट देते। बहुत ही अच्छा पेज लड़ा दिया हमारे वसीम भाई ने। दोस्तों हवा काफ़ी बेहतरीन चल रही है, आप जैसा देख सकते हैं, आप पेड़ को देख लीजिए आपको पता चलेगा हवा काफ़ी बेहतरीन चल रही है, आप पेच की दूरी काफ़ी रेंज में लड़ जा रही है, देख सकते हैं हवा कितना बेहतरीन चल रहा है यहाँ पर, या पेड़ को देख सकते हैं इससे अनुमान लगा सकते हैं हवा कितना अच्छा चल रहा है। आइए दोस्तों इस पेच को देख लेते हैं, तीसरा पैच है, नीचे से बने हुए राइट हैंड साइड से हमारे वसीम भाई, लेफ्ट हैंड साइड से आए हैं शमशेर। पेच सही हो चुका है, पेच की दूरी 400 मीटर, उन्होंने गद्दा शो किया, चपटा बाहर खींचा है, देखिए अंदर का गद्दा रखा है, रिक्स हो सकता है, बहुत ही अच्छा जैसा कि मैंने बोला था अंदर का गद्दा शो करके यहाँ पर शमशेर भाई ने खिदिरपुर काइट क्लब से काट दिया है वसीम भाई को। आई दोस्तों इस पेज को हम समझ लेते हैं, नीचे से मेहताब भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से मेहताब भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से आए हैं देख सकते हैं बापीदा, फ्लॉइड काइट क्लब से राइट हैंड साइड से ऊपर से बापीदा, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से मेहताब भाई हमारे बने हुए हैं, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से मेहताब भाई। ध्यान दीजिएगा पूरी हाथ की तरफ बढ़ते हुए, देखिए बापीदा ने हल्का गद्दा शो किया है, फिर से उठा लिया पतंग, वो भी देखिए सलग बाहर खींचने जा रहे हैं, झोल यहाँ बना हुआ है उसी झोल को टालने की कोशिश, छोड़ दिया दोस्तों, जाने दिया, देख सकते हैं
फिर से हाथ की तरफ बढ़ते हुए हमारे बापीदा पूरी तेजी हाथ से बढ़ते हुए, हवा की रफ्तार कम से कम यहाँ पर 15 किलोमीटर हवा चल रहा है, मतलब अच्छा हवा चल रहा है। ये उन्होंने गद्दा मारा है, अरे बहुत ही अच्छा यहाँ पर ही गद्दा जो मारा है उसकी कोई जवाब नहीं दोस्तों। जब तक पलटते तब तक काम हो चुका था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार पेच और अच्छा पेच यहाँ बापीदा ने काट दिया है फ्लॉइड का एक क्लब से। देख सकते हैं दोस्तों कोड़ी भाई आ चुके हैं यहाँ पर खिदीपुर का एक क्लब में लड़ाने, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। कोड़ी भाई कैसे हैं आप? देख सकते हैं कोड़ी भाई आए हैं और भी मेंबर्स आए हैं, देख सकते हैं बहुत ही शानदार हवा चल रहा है। समीर भाई बोल रहे हैं एक जगह, हाँ एक जगह। यहाँ पर शमशेर भाई लड़ा रहे हैं पिच खिदीपुर का एक क्लब से। आई दोस्तों ऊपर से शमशेर भाई और नीचे से देख सकते हैं हमारे बापीदा, पेस सही हो चुका है दोस्तों पूरा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बापीदा ने काट दिया दोस्तों, मौका नहीं दिया यहाँ पे कुछ भी करने का, अच्छा पेच खेला है यहाँ पर हमारी बापीदा ने फ्लॉइड का एक क्लब से। दोस्तों जो टिकट का स्कोर है फिलहाल अभी खिदीपुर आगे है कुछ पतंग से, देखते हैं फ्लॉइड का एक क्लब कम बैक कर पाती है कि नहीं, बने रहे वीडियो पे। आई दोस्तों इस पेज को देखते हैं, ऊपर से राइट हैंड साइड से हमारे कार्तिक भाई, नीचे से समीर, तेजी से बहुत अच्छा यहाँ चपटा बाहर खींच के काट दिया है यहाँ पर हमारे कार्तिक भाई को। करना क्या था दोस्तों, यही तो करना था, बट खींच यहाँ खींच कम पड़ गई। बहुत ही शानदार पेच यहाँ लड़ा दिया हमारे समीर भाई ने खिदीपुर का एक क्लब से। आई दोस्तों इस पेज को हम समझ लेते हैं, नीचे से बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से समीर भाई खिदीपुर का एक क्लब से, राइट हैंड साइड से आफरीदी, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से खिदीपुर, देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से समीर भाई, राइट हैंड साइड से देख सकते हैं आफरीदी, करीब कराया सीधा गद्दा मारा है समीर भाई ने, चला रहे देखिए, और बहुत ही अच्छा पेच यहाँ चलाते चलाते यहाँ पेच काट दिया दोस्तों, झोल कटी यहाँ हमारी आफरीदी की। करना क्या था दोस्तों, चपटा बाहर खींचना था यहाँ, सीधा गद्दा नहीं मारना था दोस्तों। जब भी कोई सीधा गद्दा मारे आप सिर्फ पतंग को चला दीजिए या बल में भी आप रख सकते हैं। और ये रहा समीर भाई, देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक और अच्छा पेच लड़ाते हुए खिदीपुर काइट क्लब से। आई दोस्तों इस पेच को फिर से देख लेते हैं, तीसरा पेच हम दिखा रहे हैं समीर भाई का, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से बने हुए समीर भाई, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से समीर भाई, ऊपर से सनी भाई फ्लॉइड काइट क्लब से आए हैं लड़ाने, चेहरे की तरफ बढ़ते हुए समीर भाई चला के देखिए पतंग को पूरा खड़ा करके खींचा है, रोका उन्होंने चपटा बाहर खींचा है समीर भाई ने, देखिए खड़ा अंदर खींचने की गलती की दोस्तों, यहाँ चपटा बाहर खींचना था। और अच्छा पेच यहाँ पर सनी भाई ने लड़ा दिया है फ्लॉइड काइट क्लब से दोस्तों, अच्छा पेच खेले हैं हमारे समीर भाई। बट यहाँ करना क्या था दोस्तों, खड़ा अंदर नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, आपको चपटा बाहर खींच लेना था, तो यहाँ पर ही पेच काट देते। आई दोस्तों नीचे से देख सकते हैं, नीचे से राइट हैंड साइड से हमारे सनी भाई बने हुए हैं, ऊपर से खिदीपुर देख सकते हैं, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से खिदीपुर, राइट हैंड साइड से हमारे सनी भाई फ्लॉइड काइट क्लब से, पतंग चला के देखिए पूरा आसमान में कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से पूरा उठा लिया है पतंग, ऊपर से आई थिंक हमजा लड़ा रहे हैं, नाम मैं थोड़ा इनका भूल जाता हूँ, चपटा बाहर खींचा है ये, थपक रहे हैं और अच्छा पेच यहाँ पर हमजा ने काट दिया दोस्तों, शानदार ये पेच, यहाँ थपकना नहीं था चपटा बाहर खींचना था दोस्तों, झोल पड़ी हुई थी उसी झोल में बहुत ही शानदार हमजा ने काट दिया दोस्तों। आई दोस्तों इस पेच को देख लेते हैं, मेहताब भाई नीचे से है, फ्लॉइड भाई ऊपर से है, मेहताब भाई ने खींचा और यहाँ पर ही अच्छा पेच, यहाँ फ्लॉइड भाई झोल काटा दोस्तों, देखिए उनके पैरेलल खींच दिए और बहुत जल्दी ये पेच हो गया दोस्तों, फ्लॉइड ने अच्छा पेच काट दिया है यहाँ पर ही हमारे मेहताब भाई को। आई दोस्तों हम फ्लॉइड का पेच फिर से देख रहे हैं, ऊपर से राइट हैंड साइड से हमारे फ्लॉइड भाई, नीचे से सोनू भाई आए हैं देख सकते हैं खिदीपुर काइट क्लब से, सोनू भाई ने पूरा उठा लिया पतंग, रोका फ्लॉइड भाई ने सीधा गद्दा मारा है, उल्टा पट मार रहे हैं यहाँ पर ही, झोल नहीं लगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड से ऊपर से देखिए फ्लॉइड ने पूरा गद्दा मार दिया, वो उल्टा पट मार रहे हैं, अब जाके फ्लॉइड भाई यहाँ कटे हैं दोस्तों, क्या गलती हो गई दोस्तों, बल लेके तब मारना चाहिए था। और अच्छा पेच यहाँ पर ही लड़ा दिया है सोनू भाई ने, इनको सोनू पट भी कहा जाता है दोस्तों, तो इनका नाम भी है सोनू पट, ऐसे प्यार से बुलाते हैं, पट इनका फेवरेट पेच है, तो पट मार के अच्छा पेच काट दिया है यहाँ पर ही। नीचे से सोनू भाई बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर से आए हैं आफरीदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पेच की दूरी 600 मीटर में रेंज थोड़ी बढ़ गई है, ऊपर से आफरीदी, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से सोनू भाई, पेच सही हो चुका है, पेच की दूरी 500 मीटर रेंज में थोड़ी लड़ रही है दोस्तों, हवा काफ़ी शानदार है देख सकते हैं,
सोनू भाई ने पूरा उठा लिया पतंग, आफरीदी ने वहीं से कदा चल दिया, सोनू भाई ने उल्टा पटवारा है, यहाँ पर कंटी पट होके आई पतंग, बहुत शानदार पेच यहाँ पर काट दिया दोस्तों सोनू भाई की, क्या ही कहने, उनका फेवरेट पेच है यहाँ पट, और ये दिखा दिया यहाँ उल्टा पट मार के, यहाँ पर ही करना क्या था, सीधी कर लेनी थी हमारी आफरीदी को पतंग, तो यहाँ पर ही पेच काट देते दोस्तों, बट बहुत ही शानदार पेच खेल रहे हमारे सोनू भाई, देख सकते हैं हमारे सोनू भाई बहुत ही अच्छा खेलते हुए, देख सकते हैं कोड़ी भाई भी आ गए हैं, इनका पेच भी दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो में आप लोग बने रहे, अभी फिलहाल हम लोग आगे है ना, अभी खिदिरपुर आगे है कुछ टिकट से, ठीक है बाद में मेंशन करेंगे। सोनू भाई आपने बहुत अच्छा पेच पट मार के काटा है, बहुत अच्छा लग रहा आपका पेच, ऐसे दिखाते रहिए, चलिए पेच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फिर से, और सवीर भाई भी है, ये देखिए हमारे बहुत ही फेवरेट प्लेयर, ये देखिए खिंचाई देख रहे हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, चलिए ठीक है, चलिए पेच की तरफ ले जाता हूँ सोनू भाई का। नीचे से सोनू भाई बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से ऊपर से आए सनी भाई, गद्दा मारा है सोनू भाई ने, देखिए पट मारा है और यहाँ पर ही झटक लिया दोस्तों, बहुत ही अच्छा पेच, यहाँ शानदार पेच यहाँ पर ही झटक के काट दिया सनी भाई ने फ्लॉइड का एक क्लब से, यही करनी थी दोस्तों, जब भी आपको कोई उल्टा पट मारे आप सीधी करके झटक लीजिए, पेच आप काट दीजिएगा, ये करके दिखाया हमारे सनी भाई ने, देख सकते हैं हमारे सनी भाई बहुत ही शानदार पेच लड़ा दिया, टेक्निकल पेच। आइए दोस्तों इस पेच को हम देख लेते हैं, ऊपर से काटने के बाद नीचे से आए हैं सनी भाई, राइट हैंड साइड से नीचे से सनी भाई, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से अमन, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से अमन, राइट हैंड साइड से नीचे से सनी भाई, ध्यान दीजिएगा पेच की दूरी 600 मीटर, रेंज में चल गई ये पेच क्योंकि हवा काफ़ी शानदार है दोस्तों, 400 में मुंह मिल रहा है तो वो 600 में चल जा रही है, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड से नीचे से ऊपर से अमन, गद्दा मारा है, चपटा बाहर खींचा है, वो देखिए थपक रहे हैं, बहुत अच्छा पेच यहाँ रुक दिखा के काट दिया दोस्तों, यहाँ रोकना था पतंग सनी भाई को, यहाँ पर ही बस रोक लेना था पतंग को, और यहाँ पर ही बहुत ही अच्छा पेच अमान ने काट दिया दोस्तों, देख सकते हैं खिदीपुर काइट क्लब से। आई दोस्तों इस पेज को हम देख लेते हैं, नीचे से शमशेर भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से बापीदा, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से नीचे से देख सकते हैं बापीदा, राइट हैंड साइड से ऊपर से बापीदा, लेफ्ट हैंड साइड से शमशेर भाई, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से पूरा खड़ा कर लिया दोस्तों, पतंग पूरा खड़ा कर लिया, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से शमशेर, राइट हैंड साइड से ऊपर से बापीदा फ्लॉइड काइट क्लब से, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से खिदीपुर से शमशेर भाई, हाथ की तरफ बढ़ते हुए, वो भी उनके हाथ की तरफ बढ़ते हुए, ध्यान दीजिएगा पेच ज़्यादा रेंज में नहीं लड़ रहा है, 300 मीटर में लड़ रही है तो आपको पेच अच्छा से और दिख रहा होगा, मगर चेहराव ज़्यादा हो गया, दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ ढुकते हुए रोका, देख सकते हैं चपटा बाहर खींचा है, उन्होंने सीधा गद्दा मारा है और ये ले के चल जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ हो गई थी यहाँ पर ही बापीदा की पतंग दोस्तों, और बहुत ही शानदार यहाँ शमशेर भाई ने चपटा बाहर खींच के झोल को काट दिया, यहाँ पर ही घट करके लड़ाना था। दोस्तों इस पेज को देख लेते हैं, नीचे से कार्तिक राइट हैंड साइड से, ऊपर से शमशेर भाई, सलग गद्दा मारा है, कार्तिक ने अंदर मारा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ही गद्दा मार के यहाँ पर ही कार्तिक को काट दिया दोस्तों शमशेर भाई ने, करना तो यही था दोस्तों, बट यहाँ खींच कम पड़ गए दोस्तों, यही बात है, आपको तेज खींचना भी होगा साथ में, ये भी बात है, आप टेक्निक्स तो दिखा रहे हैं बट आपको खींचनी भी थोड़ी तेज होगी, और कार्तिक भाई यहाँ पर ही कट गए, शमशेर ने अच्छा पेच काट दिया है खिदीपुर का एक क्लब से। दोस्तों शिबू भाई आए हैं नीचे से, ध्यान दीजिएगा नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से हमारे शिबू भाई, ऊपर से राइट हैंड साइड से, ध्यान दीजिएगा आफरीदी, पेच थोड़ी रेंज में लड़ रही है दोस्तों, हवा बहुत ही शानदार है जैसे कि मैंने आपको बोला, पेच देखिए आफरीदी की काफ़ी दूर लगी हुई पतंग, और हमारे नीचे से शिबू भाई, देखिए एक पतंग वहाँ भी है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से शिबू भाई खिदीपुर का एक क्लब से, ऊपर से राइट हैंड साइड से आफरीदी फ्लॉइड का एक क्लब से, देखिए ध्यान दीजिएगा चेहरे की तरफ बढ़ते हुए आफरीदी, धीरे हल्का हाथ से गद्दा रखा है, शिबू भाई की पतंग नीचे है, एक पतंग और भी नीचे है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों उसको इग्नोर कीजिएगा, शिबू पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए, शिबू भाई पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए झोल की तरफ आते हुए चपटा बाहर खींचा है, यहाँ पर ही कम कट गया दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा आफरीदी की पतंग काफ़ी बड़ थी, यही बेनिफिट था, यहाँ पर शिबू भाई कट गए दोस्तों, यहाँ करना कुछ नहीं था दोस्तों, कम कट गई ये आप कह सकते हैं, थोड़ी कम थी पतंग इसीलिए यहाँ शिबू भाई कट गए, ताकत मिला नहीं, और आफरीदी ने चपटा बाहर खींच के यहाँ पर ही बढ़ रख के काट दिया है हमारे शिबू भाई को, देख सकते हैं दोस्तों यही शिबू भाई है, थोड़ा कट गए, कम कट गया कहीं ना कहीं, और देख सकते हैं टीम में बहुत कोई अच्छे अच्छे प्लेयर है, समीर भाई देख सकते हैं, सोनू भाई, सोनू पट अच्छे अच्छे प्लेयर है दोस्तों, देख सकते हैं वहाँ अमान भाई खिदीपुर का एक क्लब से लड़ा रहे हैं, अभी भी दोस्तों स्कोर जो है खिदीपुर आगे है अभी भी,
दस पतंग से आगे है, ठीक से देख सकते हैं, कुछ टिकट से आगे है दोस्तों अभी भी देख सकते हैं। फ्लॉइड काइट क्लब यहाँ पर ही कम बैक कर पाती कि नहीं देखना है, वीडियो में बने रहे दोस्तों। आइए दोस्तों इस पेज को हम समझ लेते हैं। नीचे से समीर भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से समीर भाई है, राइट हैंड साइड से अफरीदी, ऊपर से ध्यान दीजिएगा पेज की दूरी 400 मीटर, पूरा गद्दा मारा है वो रोक के, देखिए चपटा बार खींचा है या डबल होके आई पतंग, अफरीदी की बेनिफिट हो जाएगी, ये रहा मैं बोल दिया था दोस्तों अफरीदी की बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ समीर कट गए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा पतंग घूम के पैरेलल हो के खड़ी हो गई पतंग, और उसी झोल में यहाँ पर ही गलती की, यहाँ पर ही रोक के थपक लेना चाहिए था समीर को, तब ये पेच काट देते दोस्तों। और अच्छा पेच यहाँ पर ही लड़ा दिया हमारे अफरीदी ने फ्लॉइड काइट क्लब से। दोस्तों अब आए हैं कोड़ी भाई, ध्यान दीजिएगा नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से कोड़ी भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से बने हुए अफरीदी, दो पतंग काट चुके हैं अफरीदी ऊपर से गद्दा मार के, राइट हैंड साइड से देखिएगा अफरीदी है, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे कोड़ी भाई, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है कोड़ी भाई, कलकत्ता में अच्छा नाम है। ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से कोड़ी भाई ने पतंग पूरी उठा ली है, ध्यान दीजिएगा उन्होंने रोका, देखिए पतंग कितना अच्छा चलाते हैं हमारे कोड़ी भाई, रेंज कम से कम 400 मीटर कम से कम, मेरे इधर से काफ़ी रेंज में ये पेज लड़ रहा है दोस्तों। कोड़ी भाई नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से कोड़ी भाई, राइट हैंड साइड से अफरीदी, ध्यान दीजिएगा अफरीदी ने भड़का मारा है, कोड़ी ने पूरा उठा लिया है, ध्यान दीजिएगा चपटा बार खींचा है कोड़ी भाई ने, अभी भी चला रहे हैं, और यहाँ बहुत ही शानदार यहाँ पर अफरीदी ने चपटा बाहर खींच के कोड़ी भाई को मौका ही नहीं दिया कुछ करने का दोस्तों, लेट हो गए, करना तो यही था दोस्तों अंदर का रुख दिखाना था या अंदर ही खींच लेना था, यहाँ पर ही करना तो यही था, बट अफरीदी ने मौका ही नहीं दिया यहाँ कोड़ी भाई को। कोई बात नहीं दोस्तों, ये है कोड़ी भाई देख सकते हैं, लेट हो गए ना कोड़ी भाई थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेट हो गई हमारे कोड़ी भाई की, अच्छा प्लेयर है बहुत ही शानदार प्लेयर है कोड़ी भाई, सभी जानते हैं दोस्तों कोड़ी भाई को। आई दोस्तों अफरीदी बने हुए हैं राइट हैंड साइड से, पांचवा पेज में हम दिखा रहे हैं अफरीदी का, राइट हैंड साइड से अफरीदी, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से बुला लिया है अमन को, खिदीपुर काइट क्लब को, अफरीदी ऊपर ही से लड़ा रहे हैं, नीचे से सबको बुला रहे हैं काट काट के। अफरीदी एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, काफ़ी नाम है हमारे अफरीदी का, नीचे से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से है हमारे अमन, राइट हैंड साइड से ऊपर से है अफरीदी, पूरी चेहरे की तरफ आते हुए हाथ की तरफ बढ़ते हुए, ध्यान दीजिएगा अमन की पतंग काफ़ी दूर लग गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अफरीदी ने गद्दा शो किया वहीं से, देखिए अमन की पतंग कितना दूर है अमन की पतंग, और अफरीदी की पतंग थोड़ी घट हो गई है दोस्तों, हाथ की तरफ बढ़ते हुए चेहरे की तरफ आते हुए, देखिए करीब करा लिए है पूरा, अब ध्यान दीजिएगा वो भी हाथ की तरफ बढ़ते हुए, दोनों करीब करा के देखिए पूरी चेहरे की तरफ जाते हुए हाथ की तरफ बढ़ते हुए, अफरीदी राइट हैंड साइड से ऊपर से नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान दीजिएगा अमन एक बाहर का भी पतंग है यहाँ, उनको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ अफरीदी कट गए दोस्तों, बाहर का पतंग से यहाँ अफरीदी कट गए, देखना है ये क्या होता है, ये पेच मिलेगा क्या, अच्छा ये पेच मिल जाएगा आप लोगों को, अच्छा ठीक है दोस्तों, तो ये पेच अमान भाई को मिल चुका है, अफरीदी जो है बाहर की पतंग से अफरीदी कट गए, देख सकते हैं आप हमारे सोनू भाई लड़ाएंगे, सोनू पट देख सकते हैं सोनू भाई लड़ाएंगे, अब देखना है इनका पेच, मैं दिखा देता हूँ, आइए दोस्तों इस पेज को हम देख लेते हैं। नीचे से आए हैं फ्लॉइड भाई, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड से नीचे से फ्लॉइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से देखिए अमन, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से अमन, देखिए फ्लॉइड ने पूरा पतंग उठा लिया है, रोका अंदर का गद्दा शो किया, वो भी अंदर का गद्दा मार रहे हैं, दोनों अंदर का गद्दा मार रहे हैं, देखना क्या होता है, झोल नहीं आई दोस्तों, वहाँ झोल पड़ा हो सकता है, चपटा बाहर खींचा है, देखिए खड़ा अंदर खींच रहे हैं, अंदर आई पतंग दोनों थपक रहे हैं, वो भी पैरेलल थपक रहे, यहाँ फ्लॉइड की रिक्स हो सकता था, देख सकते हैं दोनों ही थपक रहे दोस्तों, जाने दिया, फ्लॉइड की पतंग काफ़ी घट हो चुकी है देख सकते हैं, अमान की पतंग काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पर ही बढ़ हो चुकी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा फ्लॉइड पूरी हाथ की तरफ बढ़ते हुए पूरा खड़ा खींचा है यहाँ पर ही, देखिए वो अंदर का गद्दा मार रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ अंदर का रुख देखा के यहाँ फ्लॉइड यहाँ पर पेच कट गया दोस्तों, यहाँ करना क्या था दोस्तों, फ्लॉइड को चपटा बाहर खींचना था रोक के, तब ये पेच काट देते दोस्तों, यहाँ पर ही अच्छा पेच है हमजा अमान ने लड़ा दिया है खिदीपुर काइट क्लब से, देख सकते हैं अमान भाई वाइट ड्रेस में जो है यही है अमान भाई। आइए दोस्तों इस पेज को हम देख लेते हैं, अमान काटने के बाद हम नीचे से लड़ाएंगे सोनू भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से सोनू भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से कार्तिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पेज की दूरी मेरे इधर से 400 मीटर काफ़ी रेंज में ये लड़ता हुआ दोस्तों पेज, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से सोनू भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से देख सकते हैं कार्तिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पेज सही हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से सोनू भाई,
राइट हैंड साइड से ऊपर से देख सकते हैं कार्तिक, ये देखिए दोस्तों झोल लग गए दोस्तों कार्तिक को, जैसे ही सही हुआ पतंग को, यहाँ अंदर का रुख तो दिखाया बट कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई पतंग और कार्तिक यहाँ स्लिप हो गए दोस्तों। सोनू भाई ने अच्छा पेच काट दिया दोस्तों यहाँ पर, नीचे से बने हुए ध्यान दीजिएगा, नीचे से बने हुए सोनू भाई लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से सोनू भाई, ऊपर से आए बापीदा, राइट हैंड साइड से ऊपर से रोकने आए बापीदा, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से सोनू भाई बने हुए हैं, ऊपर से बापीदा आए हैं ध्यान दीजिएगा, फ्लॉइड काइट क्लब से करीब कराया चेहरे की तरफ बढ़ते हुए सोनू भाई, देखे वहीं से खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं बट यहाँ पर ही बापीदा ने पतंग पूरा अपने आसमान में करके देखे हाथ की तरफ बढ़ते हुए। पेच की दूरी 400 मीटर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पेच की दूरी 400 मीटर, सोनू भाई ने पतंग बाहर कर लिया फिर से हाथ की तरफ बढ़ते हुए, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा सोनू, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से बापीदा हाथ की तरफ बढ़ते हुए, बापीदा देख सकते हैं ध्यान दीजिएगा पूरी हाथ की तरफ बढ़ते हुए झोल की तरफ बढ़ते हुए, सोनू भाई की पतंग काफ़ी बड़ हो गई, खड़ा कर लिया सोनू भाई ने, उल्टा पट मारा देखिए बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पर ही उल्टा पट मार के यहाँ पर ही बापीदा को काट दिया दोस्तों, शानदार ये पेच खेल रहे हैं और सोनू भाई को कहीं ना कहीं पट का मास्टर भी बोला जाता है, सोनू पट है इनका नाम, और पट खेल के बहुत ही शानदार पेच यहाँ पर ही बापीदा को काट दिया है। आइए दोस्तों हम तीसरा पेच देख रहे हैं, नीचे से बने हुए हैं सोनू भाई, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से बने हुए सोनू भाई, ऊपर से राइट हैंड साइड से आए हैं सनी, ध्यान दीजिएगा पूरा खड़ा कर लिया, सनी भाई ने गद्दा मार दिया है, रोका सोनू भाई, देखिए पट में थपक रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेच यहाँ फिर से काट दिया दोस्तों सोनू भाई की, क्या ही कहने, चार पतंग काट चुके हैं लगातार खिदीपुर काइट क्लब से, यहाँ देख सकते हैं पट जैसे मारे आप ध्यान दीजिएगा घूम के अंदर आई तो यहाँ अंदर का रुख लग गया यहाँ हमारे सनी भाई को, बहुत ही शानदार पेच खेल रहे हैं सोनू भाई, नीचे से सोनू भाई बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड से, पूरा खड़ा कर लिया है, रोका देखिए फिर से बहुत ही अच्छा अंदर का रुख दिखा के फिर से काट दिया दोस्तों, लगातार पाँच या छः पतंग काटते हुए दोस्तों फ्लॉइड काइट क्लब को, ये पेच लड़ा रहे थे आई थिंक, कौन लड़ा रहा था ये पेच, ये पेच सनी भाई लड़ा रहे, छठा पेच हम देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों सोनू भाई का, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से सोनू भाई, ऊपर से राइट हैंड साइड से रोकने आए आफरीदी, ध्यान दीजिएगा पेच सही हो चुका, पेच की दूरी 400 मीटर, पूरी हाथ की तरफ बढ़ते हो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झोल की तरफ बढ़ते हो सोनू भाई, देखिए पतंग अपने बाहर कर रहे हैं धीरे धीरे, पतंग काफ़ी बड़ हो चुकी है सोनू भाई की, देखना है छठा पेच है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोनू भाई देखिए पूरा हाथ की तरफ बढ़ते हुए, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से सोनू भाई ध्यान दीजिएगा, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आफरीदी चपटा बाहर खींचा है, उन्होंने देखिए गद्दा मार दिया है, रोका यहाँ फिर पिट पट मारा है, देखिए देख दोस्तों क्या होना है, और इस बार दोस्तों पट यहाँ पर ही तोड़ दिया है यहाँ पर हमारे आफरीदी ने, काफ़ी खींच है यहाँ आफरीदी की, और गलती यहाँ कुछ नहीं हुई दोस्तों, यहाँ पर ही करना तो यही था बट यहाँ पर तेजी, यहाँ पर तेज दिखाना था दोस्तों, यहाँ कम पड़ गए कहीं ना कहीं ताकत में, और आफरीदी ने बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ पट तोड़ दिया है सोनू भाई का, देख सकते हैं दोस्तों क्या खींच है आफरीदी की, क्या ही कहने, जितना जितना बोलूं उतना कम है दोस्तों, आफरीदी की खींच यहाँ उल्टा पट तोड़ दिया है यहाँ आफरीदी ने, क्या खींच है दोस्तों यहाँ आफरीदी की। आइए दोस्तों इस पेज को हम देख लेते हैं, ऊपर से काटने के बाद नीचे से आफरीदी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से समीर भाई ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड से आफरीदी, पेज सही हो चुका है, आफरीदी ने चलाया चपटा बार खींचा है वो रोका, देख सकते खड़ा अंदर खींच के बहुत ही शानदार पेच ऑफ द मैच यहाँ काट दिया दोस्तों हमारे आफरीदी ने, बहुत ही शानदार अच्छा पेच यहाँ पर ही रोक के खड़ा अंदर खींच के झोल काटा है यहाँ हमारे समीर भाई का। आई दोस्तों तीसरा पैच हम दिखा रहे हैं आफरीदी का, नीचे से राइट हैंड साइड से आफरीदी बने हुए हैं, ऊपर से सिबुदा ध्यान दीजिएगा, सिबुदा ने गद्दा चल दिया, आफरीदी ने बल रख के देखिए बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पट थपक के झोल काटा है हमारे शिबू भाई का, जितना तारीफ करो उतना कम यहाँ पर आफरीदी की, क्या ही कहने, ये गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों आफरीदी, फिलहाल अभी कुछ टिकट अभी भी दबी हुई है खिदीपुर काइट क्लब के इधर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आफरीदी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, आफरीदी बहुत ही अच्छा खेल रहे, अगर ऐसे ही खेलते रहे तो शायद ये गेम फ्लॉइड काइट क्लब यहाँ से जीत सकती है। आए दोस्तों चौथा पेज हम दिखा रहे हैं, राइट हैंड साइड से नीचे से बने हुए आफरीदी, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से समीर भाई आए हैं खिदीपुर काइट क्लब से, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड से आफरीदी पट किया रोका, राइट हैंड साइड से आफरीदी उन्होंने गद्दा चला है चपटा बार खींचा है, आफरीदी ने देखिए अंदर का गद्दा शो किया है, बहुत ही अच्छा यहाँ शानदार पेच यहाँ खेलते हुए हमारे आफरीदी फ्लॉइड काइट क्लब से, समीर भाई को भी यहाँ पर ही अंदर का रुख दिखा के काट दिया दोस्तों, रोकना था यहाँ समीर भाई को और गलती कर बैठे यहाँ हमारे समीर भाई। आए दोस्तों नीचे से आफरीदी बने हुए हैं राइट हैंड साइड से, ऊपर से लेजेंड आए वन एंड ओनली देख सकते कोड़ी भाई, लेफ्ट हैंड साइड से
ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से कोड़ी भाई, राइट हैंड साइड से आफरीदी, नीचे से कोड़ी ने अंदर का गद्दा मारा है और यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ झटक लिया हमारे कोड़ी भाई ने, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर, इनको काटना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, दिमाग से खेलना पड़ता तो यहाँ पर ही काट देते दोस्तों, करना क्या था, रोक लेना था तो भी कट जाता क्योंकि पतंग काफ़ी भारी है कोड़ी भाई की, ध्यान दीजिएगा मकर की चल रही है, गलती यही होगी चपटा बाहर खींच लेना चाहिए था, तब यहाँ कोड़ी भाई कट जाते। आई दोस्तों इस पेज को हम देख लेते हैं, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से आए हैं शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से देख सकते हैं बापीदा, करीब कड़ाया हाथ की तरफ बढ़ते हुए, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से हमारे शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से बापीदा, चैरी की तरफ बढ़ते हुए अंदर इंदर हाथ के, देखिए वो भी अंदर का हाथ के बढ़ते हुए, पेस सही हो चुका दोस्तों, आवाज आ गई होगी, पूरा खड़ा कर लिया है, बापीदा ने अंदर का रुख दिखाया, वो चपटा बाहर खींच रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ ताकत दोस्तों, करना तो दोस्तों यही था बट यहाँ ताकत कम पड़ गई यहाँ बापीदा का, और अच्छा पेच यहाँ पड़ी शमशेर भाई ने काट दिया है खिदुरपुर काइट क्लब से। दूसरा पैच हम देख रहे हैं शमशेर भाई का, बने हुए लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से शमशेर भाई बने हुए, राइट हैंड साइड से आए सनी भाई, ध्यान दीजिएगा पूरा खड़ा खींचा है, यहाँ पर ही झोल कटेगा दोस्तों, काफ़ी बड़ हो गई थी सनी भाई की पतंग ध्यान दीजिएगा, और खड़ा खड़ा खींच के यहाँ पर ही शमशेर भाई ने दो पतंग काट चुके हैं नीचे से। तीसरा पैच हम देख रहे हैं, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से बने हुए हैं शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से देखिए आए हैं फ्लॉयड भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से गद्दा मारा है, चपटा बाहर खींचा है, काम नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर ही खींच दोस्तों, यहाँ ताकत लगाना पड़ता है दोस्तों, ताकत यहाँ ताकत कम पड़ गई, ध्यान दीजिएगा ये ताकत का पेच है, यहाँ पर ताकत बढ़ाना पड़ेगा कम से कम, और शमशेर भाई की क्या ही कहने, तीन से चार पतंग काट चुके हैं नीचे से। चौथा पेच हम देख रहे हैं दोस्तों, नीचे से बने हुए हैं, नीचे से बने हुए शमशेर भाई, ऊपर से कार्तिक, ऊपर से आए कार्तिक, राइट हैंड साइड से ऊपर से कार्तिक, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से शमशेर भाई, कार्तिक ने गद्दा शो किया, वो हाथ की तरफ बढ़ते हुए चपटा बाहर खींचा है, यहाँ पर ही झोल कटेगा दोस्तों, झोल यहाँ कटेगा दोस्तों, यही काम कर रहे हैं, बढ़ कट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ ताकत बहुत ज़्यादा चाहिए, उनसे तेज खींचना पड़ेगा, जब भी आप बढ़ रख के गद्दा मारते तो आपको पतंग कम से कम एटलीस्ट उनसे तेज खींचनी पड़ेगी तभी आप काट पाइएगा, और अच्छा पेच यहाँ पर ही शमशेर भाई खेल रहे हैं खिदीपुर काइट क्लब से। आइए दोस्तों हम पाँचवा पेच दिखा रहे हैं, नीचे से देखिए शमशेर भाई बने, ऊपर से सनी भाई गद्दा मारा है, बहुत अच्छा इस बार बहुत ही शानदार यहाँ पर पेच खेल रहे हमारे शमशेर भाई, सनी भाई भी यहाँ कट गए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अच्छा पेच लड़ा रहे, पांच पतंग काट चुके हैं हमारे शमशेर भाई, देख सकते हैं। छठा पैच हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से बने हुए हैं शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से सैमुल, और यहाँ पर ही बाहर चपटा बाहर खींच के सैमुल को भी यहाँ पेच काट दिया दोस्तों, लगातार वही पेच खेल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, लगातार वही पेच खेल रहे हैं और वही पेच काट भी रहे हैं, और बस यहाँ पर ही खींच, आपको भी तेज खींचना होगा, बस यहाँ खींच से कम पड़ जा रहे हैं फ्लॉयड काइट क्लब, सैमुल यहाँ काट चुके हैं और शमशेर भाई छः पतंग काट चुके हैं दोस्तों। सत्ता का पेच थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, क्या पेच लड़ा रहे हमारे, यही है शमशेर भाई देख सकते हैं, और थोड़ी देर में सत्ता का पेच दिखाऊंगा, बेस्ट ऑफ लक आपको, देख सकते हैं सत्ता का पेच मैं दिखाऊंगा, ये टीम मेंबर्स बहुत खुश होते हुए देख सकते हैं सोनू भाई, सत्ता वाला पेच हम देख रहे हैं दोस्तों, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा, नीचे से बने हुए लेफ्ट हैंड साइड से हमारे शमशेर भाई खिदीरपुर काइट क्लब से, फ्लॉयड काइट क्लब से ऊपर से आए रोकने, देख सकते हैं आफरीदी, बहुत ही शानदार प्लेयर, यह सत्ता हो चुका है दोस्तों, ये सत्ता हो चुका है, बहुत ही शानदार यहाँ झोल काटा है आफरीदी का, और फाइनली यहाँ पर ही सत्ता मार दिए हैं यहाँ पर खिदीरपुर काइट क्लब से, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं सत्ता मार दिए शमशेर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन शमशेर भाई, देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ताली 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 मारते हुए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सीनियर प्लेयर, बहुत ही अच्छा सत्ता मारा है, गंदा प्लेयर है बट बहुत शानदार खेला है, यहाँ पर ही देख सकते हैं टीम को आगे लेके जाते हुए, यहाँ पर ही देख सकते हैं हमारे सीनियर प्लेयर कोड़ीदा सिबू भाई, देख सकते हैं अमान, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर ही बन चुका है दोस्तों। अट्ठा वाला पेच हम देख रहे हैं दोस्तों, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से बने हुए हैं शमशेर भाई, ऊपर से बापीदा, राइट हैंड साइड से ऊपर से बापीदा आए हैं, पेज सही हो चुका है दोस्तों, पेज की दूरी 500 मीटर थोड़ी रेंज में आप लड़ते हुए, बापीदा ने गद्दा मारा है, शमशेर भाई ने वही चपटा बार खींचा है और फिर से झोल काट दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा लगातार वही पेज खेल रहे हैं, यहाँ ताकत चाहिए दोस्तों, और बहुत ही शानदार यहाँ पर ही शमशेर भाई ने पेज यहाँ पर ही लड़ा रहे हैं, आठ पतंग काट चुके हैं दोस्तों खिदीरपुर काइट क्लब से। नहला का पेच हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से शमशेर भाई बने हुए, राइट हैंड साइड से फ्लॉयड,
ध्यान दीजिएगा, फ्लॉइड ने गद्दा मारा है, शमशेर भाई ने चपटा बाहर खींचा और यहाँ नहला हो चुका है दोस्तों। बहुत ही शानदार पेच और ताकत का पेच लड़ा रहे हैं यहाँ पर हम शमशेर भाई, और फाइनली नौ काट दिया दोस्तों फ्लॉइड काइट क्लब को, यहाँ नौ पैच काट दिए दोस्तों। शमशेर भाई क्या कहना चाहते हैं? वसीम भाई लोग लड़ा रहा है जमशेद भाई रुक से। जी 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 भाई लड़ा रहा है जी, जी। आज बहुत आप अच्छा लड़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाथ मिला लीजिए। आप नौ काट दिया देख सकते हैं यहाँ हमारे शमशेर भाई ने, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है शमशेर भाई, देख सकते हैं। समीर भाई कुछ कहते हैं? समीर भाई बहुत ही उम्दा लड़ाया, बहुत ही उम्दा लड़ाया। जी 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 ताकत का पेज। जी 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 आज सूरज भाई हमारा बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, सूरज भाई का चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। कलकत्ता का भी बहुत अच्छा वीडियो हमारे सूरज भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग का दुआ है प्यार है, बस ऐसी सपोर्ट करते रहिए भाई, अच्छा वीडियो बना रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। 10 नंबर वाला पेज हम देख रहे हैं, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से बने हुए हैं शमशेर भाई, राइट हैंड साइड से ऊपर से देखिए आफरीदी, अंदर का गद्दा मारा है और इस बार शमशेर भाई कट गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आफरीदी के पतंग घूम के जो है वो बाहर आई और यहाँ पर खींचने की गलती किया दोस्तों, और आफरीदी यहाँ पर ही फाइनली पेज को काट दिया है यहाँ शमशेर भाई को, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे। अच्छा पेज लड़ा दिया हमारे आफरीदी ने दोस्तों। फाइनली देख सकते हैं यहाँ खिदिरपुर काइट क्लब जो है वो विजेता रही, अच्छा पेज लड़ाया हमारे शमशेर भाई ने, देख सकते हैं मैच पेज ऑफ द मैच खेले हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहे शमशेर भाई, बहुत ही अच्छा लड़ा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।